इतिहास में यह बराबर गलत जानकारी हमको दी गई कि कोलंबस कोई महान व्यक्ति था, महान व्यक्ति नहीं था। अगर गुजराती में मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो नराधम था। और वो किस हद दर्जे का नराधम था, सोना चांदी लूटने के लिए अगर किसी की हत्या करनी पड़े तो कोलंबस उसमें पीछे नहीं रहता था। उस आदमी ने 14-15 वर्षों तक बराबर अमरीका के रेड इंडियन लोगों को लूटा और उस लूट से भर भरकर जहाज जब स्पेन गए तो स्पेन के लोगों को लगा कि अमरीका में तो बहुत संपत्ति है, तो स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी फिर अमरीका पहुंची और स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी ने अमरीका में पहुंचकर 10 करोड़ रेड इंडियंस को मौत के घाट उतारा। 10 करोड़। और ये 10 करोड़ रेड इंडियंस मूल रूप से अमरीका के बाशिंदे थे। ये जो अमरीका का चेहरा आज आपको दिखाई देता है, ये अमरीका 10 करोड़ रेड इंडियन की लाश पर खड़ा हुआ एक देश है। कितने हैवानियत वाले लोग होंगे, कितने नराधम किस्म के लोग होंगे जो सबसे पहले गए अमेरिका को बसाने के लिए, उसका एक अंदाजा आपको लग सकता है। और आज स्थिति क्या है कि जो अमेरिका की मूल प्रजा है जिनको रेड इंडियंस कहते हैं उनकी संख्या मात्र 65,000 रह गई है। 10 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लोग आज हमको सिखाते हैं कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत खराब है। जिनका इतिहास ही ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर टिका हुआ है, जिनकी पूरी की पूरी सभ्यता 10 करोड़ लोगों की लाश पर टिकी हुई है, जिनकी पूरी की पूरी तरक्की और विकास 10 करोड़ रेड इंडियनों के खून से लिखा गया है, ऐसे अमेरिका के लोग आज हमको कहते हैं कि हिंदुस्तान में साहब ह्यूमन राइट्स की बड़ी खराब स्थिति है, कश्मीर में, पंजाब में, वगैरह वगैरह। और जो काम मारने का, पीटने का, लोगों की हत्याएं करके सोना लूटने का, चांदी लूटने का काम कोलंबस और स्पेन के लोगों ने अमेरिका में किया, ठीक वही काम वास्को डिगामा ने 1498 में हिंदुस्तान में किया।